हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में हमने क्लास फोर के चार चैप्टर्स को कवर किया है चैप्टर्स हैं हमारे चैप्टर नंबर वन द ग्रीन प्लांट चैप्टर नंबर टू प्लांट एडेप्टेशन चैप्टर नंबर थ्री एनिमल्स एंड देयर यंग वंस चैप्टर नंबर फोर एनिमल एडेप्टेशंस इस वीडियो में हम इन्हीं चार चैप्टर्स की जो है क्वेश्चन आंसर्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग प्लांट्स अपना फूड क्या यूज करके बनाते हैं ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन बी सनलाइट ऑप्शन सी वाटर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए इन सभी की ज़रूरत होती है क्वेश्चन नंबर टू ड्यूरिंग फोटो सिंथेसिस प्लांट्स प्रोड्यूस ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन बी सनलाइट ऑप्शन सी शुगर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज फोटो सिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्लांट क्या चीज़ है जो प्रोड्यूस करते हैं आंसर इज ऑप्शन बी शुगर प्लांट्स जो है शुगर के साथ साथ हमको ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री द पार्ट ऑफ अट अटैच इज टू द स्ट और ब्रांच इज कॉल्ड लीफ का वो कौन सा पार्ट है जो उसको उसके स्टैम्प और ब्रांचेस से अटैच करता है ऑप्शन ए मेडरिप ऑप्शन बी ब्लेड ऑप्शन सी पैटियाल एंड ऑप्शन डी वेन आंसर इज ऑप्शन सी पैटिओल क्वेश्चन नंबर फोर लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन होता है वो किसकी प्रजेंस की, की वजह से होता है ऑप्शन ए स्टोमेटा ऑप्शन बी क्लोरोफिल ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन आंसर इज ऑप्शन बी क्लोरोफिल क्लोरोफिल की वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है क्वेश्चन नंबर फाइव च ऑफ दीज प्लांट्स फ्लोट ऑन वॉटर इनमें से कौन सा प्लांट है जो पानी में फ्लोट करता है तैरता है ऑप्शन ए डकवीड ऑप्शन बी मौज ऑप्शन सी वाटर लिली एंड ऑप्शन डी हाइड्रिला आंसर इज ऑप्शन ए डकविड क्वेश्चन नंबर सिक्स च ऑफ दीरोट जीरो प्लांट है जो डेजर्ट में ग्रो कर सकता है ऑप्शन ए कैक्टस ऑप्शन बी टीक ऑप्शन सी पाइन एंड ऑप्शन डी मेपल आंसर इज ऑप्शन ए कैक्टस कैक्टस ग्रोइंग डेजर्ट क्वेश्चन नंबर सेवन प्लांट दैट आर एडेप्टेड टू ग्रो इन डेजर्ट हैव डेजर्ट में प्लांट को रहने के लिए क्या होना चाहिए ऑप्शन ए स्पाइंस ऑप्शन बी थिन स्टैम ऑप्शन सी शॉर्ट रूट्स एंड ऑप्शन डी मैनी लीव्स आंसर इज ऑप्शन ए स्पाइंस स्पाइंस मीन्स कांटा क्वेश्चन नंबर एट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर फाउंड इन डैश टेरिस्ट्रियल प्लांट्स कहाँ पर मिलते हैं टेरेस्टर प्लांट्स क्या होते हैं जो लैंड पर ग्रो करते हैं ऑप्शन ए डेजर्ट ऑप्शन बी प्लेन्स ऑप्शन सी माउंटेन्स एंड ऑप्शन डी ऑल दीज प्लेस आंसर इज ऑप्शन डी ऑल दीज प्लेसिज क्योंकि इन सभी प्लेस पर लैंड होती है तो टेरिस्ट्रियल प्लांट जो लैंड पे लीव करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन ग्रीन प्लांट इज नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं जो ग्रीन जिसमें ग्रीन पिगमेंट कलरोफिल नहीं होता है और वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते हैं उन्हें हम नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं तो बताइए ऑप्शन ए सीडा ऑप्शन बी कॉरल रूट ऑप्शन सी वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ऑप्शन डी ओक इन सभी में से कौन से प्लान्ट जो नॉन ग्रीन है तो आंसर इज ऑप्शन बी कॉरल रूट दिस प्लांट इज नॉन ग्रीन क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ दीज सब्सटेंस डू वेन्स ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्राम लीव्स इसमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो वेंस के थ्रू जो है लीव्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑप्शन ए वाटर ऑप्शन बे मिनरल्स ऑप्शन सी न्यूट्रिय एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर इलेवन आइडेंटिफाई द एनिमल दैट डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स इसमें से कौन सा एनिमल है जो एग के थ्रू मतलब जो एग रिप्रोड्यूस नहीं करता है ऑप्शन ए हाउस फ्लाई ऑप्शन बी डियर ऑप्शन सी बटरफ्लाई एंड ऑप्शन डी फिश आंसर इज ऑप्शन बी डियर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द -like जेली लाइक व्हाइट कलर्ड सब्सटेंस दैट इज प्रजेंट इन साइड द एग एक जैली की तरह का पदार्थ होता है जो एग के अंदर होता है ऑप्शन ए एल्ब्यूमन ऑप्शन बी यॉक ऑप्शन सी एग शेल एंड ऑप्शन डी एम्ब्रियो आंसर इज ऑप्शन ए एल्ब्यूमन क्वेश्चन नंबर थर्टीन द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ओल्ड स्किन बाई एनिमल्स इज कॉल्ड जो एनिमल्स होते हैं उनकी ओल्ड जो स्किन होती है जब वो शेड हो जाती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं ऑप्शन ए इंक्यूबेशन ऑप्शन बी मेटामॉर्फिस ऑप्शन सी मॉल्टिंग एंड ऑप्शन डी लाइफ साइकिल आंसर इज ऑप्शन सी मॉल्टिंग क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आइडेंटिफाई द एग लेंग एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग इनमें से कौन सा एनिमल है जो एग देता है ऑप्शन ए हिपेपोटमस ऑप्शन बी जेबरा ऑप्शन सी फ्रॉग एंड ऑप्शन टी ऑप्शन डी कैट आंसर इज ऑप्शन सी फ्रॉग फ्रॉग इज एग लेंग एनिमल क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इन विच ऑफ दीज एनिमल्स डज द डेवलपमेंट ऑफ द यंग वन टेक प्लेस इन साइड द मदर्स बॉडी इनमें से कौन सा एनिमल है जिसका जो डेवलपमेंट है वो अपनी मदर के बॉडी के इनसाइड यानी कि उनके स्टमक में होता है ऑप्शन ए ग्रास होपर ऑप्शन बी हाउस फ्लाई ऑप्शन सी रैबिट एंड ऑप्शन डी लीजर्ड आंसर इज ऑप्शन सी रैबिट रैबिट का मोस्टली डेवलपमेंट मदर के स्टमक में होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आइडेंटिफाई द एनिमल दैट स्लीप्स थ्रू आउट द समर मंथ वो एनिमल बताइए जो पूरे समर मंथ में सोता है ऑप्शन ए बेयर ऑप्शन बी स्नेल ऑप्शन सी रैबिट एंड ऑप्शन डी फ्रॉग आंसर इज ऑप्शन बी स्नेल स्नेल पूरे समर मंथ सोता है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एक्वेटिक एनिमल्स रिस्पायर मोस्टली थ्रू देयर एक्वेटिक एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं ऑप्शन ए स्किन ऑप्शन बी लंग्स ऑप्शन सी गिल्स एंड ऑप्शन डी लंग्स एंड स्किन आंसर इज ऑप्शन सी गिल्स एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन आइडेंटिफाई द पेरिसाइट्स दैट लीव्स ऑन द हॉस्टेस बॉडी आपको वो पैरासाइट्स बताने दें जो हॉस्टेस बॉडी में रहते हैं हॉस्टेस बॉडी में रहते हैं जो का मतलब है जो उनकी बॉडी की सरफेस पे रहते हैं ऑप्शन ए राउंड वाम ऑप्शन बी हुक ऑप्शन सी लाइस एंड ऑप्शन डी टैप ऑप्शन सी लाइस क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आइडेंटिफाई द एनिमल दैट कैन नॉट प्रोटेक्ट इट्सल्फ बाय कैमोफ्लजन केमाफ्लिन क्या होता है एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो एनिमल्स अपने कलर और शेप को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं अपने आप को उसमें मर्ज कर लेते हैं तो ऑप्शन है ऑप्शन ए कैमिलियन ऑप्शन बी टाइगर ऑप्शन सी हिपोपोटमस एंड ऑप्शन डी पोलर बियर आंसर इज़ ऑप्शन सी हिपोपोटमस हिपोपोटमस में कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, अपने आप को मर्ज कर कर सके एनवामेंट में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आइडेंटिफाई द एक्सटिंट एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सटिंट एनिमल जो अब अर्थ पर नहीं है ऑप्शन ए जॉइंट पांडा ऑप्शन बी इंडियन डायनासॉरस ऑप्शन सी डोडो एंड ऑप्शन डी टाइगर आंसर इज ऑप्शन सी डोडो डोडो अब अर्थ पर है ही नहीं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ का जो फ्लैट पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं ऑप्शन ए वेन ऑप्शन बी लीफ ब्लेड आंसर इज ऑप्शन बी लीफ ब्लेड द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ओपनिंग्स ऑन द अंदर साइड ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे ओपनिंग्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं ऑप्शन ए स्टोमेटा ऑप्शन बी वेन आंसर इज ऑप्शन ए स्टोमेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्लोरोफिल गिव्स डैश कलर टू द प्लांट क्लोरोफिल प्लांट्स को कौन सा कलर देती है क्लोरोफिल की वजह से कौन सा कलर होता है प्लांट्स में ऑप्शन ए वाइट ऑप्शन बी ग्रीन आंसर इज ऑप्शन बी ग्रीन क्लोरोफिल गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर प्लांट्स गिवस डैश टू ब्रीथ प्लांट्स हमें ब्रीथ करने के लिए क्या देते हैं ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन बी ऑक्सीजन आंसर इज ऑप्शन बी ऑक्सीजन प्लांट गिवस ऑक्सीजन टू ब्रीथ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एनिमल्स ब्रीथ आउट डैश एनिमल्स जो है वो क्या ब्रीथ आउट मतलब क्या करते हैं जब वो ब्रीथ करते हैं तो क्या आउट करते हैं ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन बी ऑक्सीजन आंसर इज ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स एरोहेड इज ऑन एग्जाम्पल ऑफ डैश प्लांट एरोहेड इनमें से कौन से प्लांट का एग्जाम्पल है फ्लोटिंग एमरजेंट आंसर इज ऑप्शन बी एमरजेंट एरोड इज ऑन एग्जाम्पल ऑफ एमरजेंट प्लांट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन माउंटेन प्लांट्स हैव डैश लीव्स माउंटेन में जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स कैसी होती हैं ऑप्शन ए ब्रॉड ऑप्शन बी निडल लाइक आंसर इज ऑप्शन बी निडल लाइक निडल की तरह होती है माउंटेन प्लांट्स की लीवस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट मैंग्रोव्स ग्रो इन डैश मैंग्रोव्स जो प्लांट है वो कहाँ पर ग्रो करते हैं ऑप्शन ए डेजर्ट्स ऑप्शन बी मर्सी एरियाज आंसर इज ऑप्शन बी मर्सी एरियाज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन डैश ट्रैप्स एंड ईट्स इंसेक्ट्स ये इनमें से कौन है जो ट्रैप कर लेता है और इंसेक्ट्स को ईट यानी खा लेता है ऑप्शन ए कैक्टस ऑप्शन बी पिचर प्लांट आंसर इज ऑप्शन बी पिक्चर प्लांट क्वेश्चन नंबर थर्टी नॉन ग्रीन प्लांट्स डू नॉट हैव डैश जो प्लांट नॉन ग्रीन होते हैं उनमें ये नहीं होता ऑप्शन ए क्लोरोफिल ऑप्शन बी स्टैम आंसर इज ऑप्शन ए क्लोरोफिल नॉन ग्रीन प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल क्वेश्चन नंबर थर्टी वन कैशकूटा इज अ डैश प्लांट ऑप्शन ए पैरासिटिक ऑप्शन बी नॉन ग्रीन आंसर इज ऑप्शन ए पैरासिटिक क्वेश्चन नंबर थर्टी टू बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय डैश बर्ड्स जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करती हैं ऑप्शन ए लेइंग एग्स ऑप्शन बी गिविंग बर्थ टू यंग वन आंसर इज ऑप्शन ए लेइंग एग्स क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री द लार्ज क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग्स इज कॉल्ड फ्रॉग्स एग्स का जो लार्ज लार्ज क्लस्टर होता है उसे क्या कहते हैं ऑप्शन ए स्पॉन ऑप्शन बी नेम ऑफ आंसर इज ऑप्शन ए स्पॉन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर ले देयर एक्स डैश लिजार्ट अपने एक्स जो वो कहां पर देती है ऑप्शन ए इन वाटर ऑप्शन बी ऑन द ग्राउंड आंसर इज ऑप्शन बी ऑन द ग्राउंड क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव एनिमल्स दैट फीड देयर यंग वन विद देयर ओन मिल्क आर कॉल्ड जो एनिमल्स अपने यंग वन को अपना मिल्क फीड कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं ऑप्शन ए मैमल्स ऑप्शन बी इंसेक्ट्स आंसर इज ऑप्शन ए मैमल्स मैमल्स अपने यंग वंस को मिल्क फीड कराती हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ डैश मैमल्स किसकी हेल्प से ब्रीथ करती हैं ऑप्शन ए ब्रीथ में सांस लेती हैं ऑप्शन ए स्किन ऑप्शन बी लंग्स आंसर इज ऑप्शन बी लंग्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन अ पोलर बेयर हैज डैश टू कीप इट वार्म पोलर बेयर में क्या होता है जिससे वो वार्म रहता है गर्म रहता है ऑप्शन ए ब्लबर ऑप्शन बी फ्लैश आंसर इज ऑप्शन ए ब्लबर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विंटर स्लीप इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर स्लीप को और क्या कहा जाता है ऑप्शन ए हाइबोनेशन ऑप्शन बी एस्टिवेशन आंसर इज ऑप्शन ए हाइबोनेशन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन ईगल इज़ ऑन एग्ज़ाम्पल ऑफ एन डैश एनिमल ऑप्शन ए एरियल ऑप्शन बी आरबोरियल एरियल क्या होता है एरियल वो एनिमल्स होते हैं जो उड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपना आसमान में यानी कि फ्लाई करने में लगाते हैं और आर्बोरियल एनिमल्स वो होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपना ट्री पर स्पेंड करते हैं आंसर इज़ ऑप्शन ए एरियल यानी कि जो ईगल है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या अपना फ्लाई करने में लगाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी कोला बियर इज अ डैश एनिमल ऑप्शन ए एंड आर्बोरियल ऑप्शन बी और टेरेस्ट्रियल तो आर्बोरियल कौन होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पेड़ पर बिताते हैं और टेरेस्ट्रियल जो एनिमल लैंड पर रहते हैं तो कोला बियर किसका एग्जाम्पल है आर्बोरियल वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम है पेड़ पर बिताता है और होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और ऑमनिवोर जो प्लांट्स और फ्लश बोथ दोनों को ही खाते हैं तो क्रो इज अप्शन ए एन ऑमनिवर तो क्रो क्या है ऑमनिवर है जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों ही खाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू ब्रीथ थ्रू लंग्स एज वेल एज मोस्ट स्किन एम्बिफियंस होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं तो लैंड पे जो है लंग्स उनकी हेल्प करते हैं ब्रीथ करने के लिए और जो उनकी मोस्ट स्किन है वो पानी में हेल्प करती है ब्रीथ करने के लिए तो आंसर इज़ ट्रू ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री ऑल टेरिस्ट्रियल एनिमल्स अंडर गो एस्टिवेशन ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल जितने भी एनिमल्स लैंड uh, पर रहते हैं वो टेरिस्ट्रियल एनिमल होते हैं तो क्या वह सब जो है अंडर गो एस्टिवेशन के लिए जाते हैं अंडर गो एस्टिवेशन मतलब लंबे समय के लिए सोना तो ऐसा नहीं है तो आंसर इज ऑप्शन बी फॉल्स ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अंडर गो एस्टिवेशन फॉल्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर आ टैट पोल लुक्स सिमिलर टू ऑन एडल्ट फ्रॉग क्या टैट पोल जो है वो एडल्ट uh, फ्रॉग की तरह लगता है टैट पोल क्या होता है टैटपोल फ्रॉग uh, से और कैटरपिलर के बीच की सिचुएशन होती है uh, जब उसको टैटपोल uh, कहा जाता है तो वो फ्रॉग की तरह नहीं दिखता है तो आंसर इज फॉल्स आर टैट पोल लुक्स सिमिलर टू ऑन एडल्ट फ्रॉक फॉल्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव मैमल्स सच एज डॉल्फिन्स कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ इन एयर मैमल्स जो होती है डॉल्फिन वो सरफेस पे आती है ब्रीथ के लिए तो इज दिस ट्रू और फॉल्स यस ऑप्शन ए ट्रू मैमल्स यानी कि डॉल्फिन जो है वो सरफेस पर आकर सांस लेती है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन ग्रो बोथ ऑफ लैंड एंड इन वाटर क्या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है वो लैंड और वाटर दोनों पर ग्रो करते हैं यस आंसर इज बी फॉल्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो होते हैं जो लैंड पर होते हैं ना कि वाटर में क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन वॉटर लिली इज अ फ्लोटिंग प्लांट क्या वॉटर लिली फ्लोटिंग प्लांट है फ्लोटिंग प्लांट जो पानी पर तैरता है आंसर ऑप्शन बी फॉल्स नहीं वाटर लिली इज नॉट अ फ्लोटिंग प्लांट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट इन अ फूड चेन वन ऑर्गेनिज्म इज द फूड फॉर अनदर ऑर्गेनिज्म क्या फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं यस ऑप्शन ए ट्रू इन अ फूड चेन वन ऑर्गेनिज्म इज द फूड फॉर अनदर ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन आयोडीन चेंज इज द कलर ऑफ अ लीफ कंटेनिंग स्टार्च टू रेड आयोडीन जो है क्या वो लीव uh, का कलर चेंज कर सकती है रेड कर सकती है नो आंसर इज ऑप्शन बी फॉल्स आई डिंट कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ लीव क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इन मैमल्स द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द यंग वन टेक प्लेस इन साइड द मदरस बॉडी मैमल्स में जो होता है उनके यंग वन का डेवलपमेंट मदर के इन साइड ही होता है इज इट ट्रू और फॉल्स यस आंसर इज ऑप्शन इज ट्रू आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बहुत जल्द मिलते हैं हम बाकी चैप्टर्स के साथ थैंक यू सो मच